हम्बगनी एवरीवन, आज मैं एक ड्रिंक का रिव्यू करूंगा जिसको कहा जाता है बाप दादा की दारू, रॉयल हेरिटेज लिकर ऑफ राजस्थान। आज मेरे पास है महारानी महंसर शाही गुलाब। ये राजा लोग पिया करते थे, जी हाँ, हम लोगों का जो पूर्वज है वो पिया करते थे, और इसीलिए मैं इस ड्रेस में आया हूँ, सो दैट मैं भी फील करूँ कि मैं भी किंग बन चुका। आफ्टर ऑल ये ड्रिंक जो मेरे पास आया है, सो ये फीलिंग को बरकरार रखते हुए आज मैं महारानी महंसर का शाही गुलाब का रिव्यू करूंगा। फ्रेंड्स, ये ड्रिंक आया है द लैंड ऑफ किंग राजस्थान से। अच्छा, राजपूतानाओं का जब राज चलता था तब राजस्थान को लैंड ऑफ किंग कहा जाता था, तो मैं भी आज किंग बन गया हूं और रिव्यू करने वाला हूँ। फ्रेंड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक ड्रिंक है। एक बार सोचिए, राजा महाराजा पहले के ज़माने में कौन सा ड्रिंक पिया करता था? क्या आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है? क्या आप जानते हैं कि उसको पीते कैसे थे या क्या उसके साथ ऐड करते थे? काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रिव्यू होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं उन राजाओं का ड्रिंक्स लाया हूँ, जी हाँ, जहाँ से अभी मैं गर्व फील कर रहा हूँ, हम लोगों का एंशिएंट टाइम का ड्रिंक महारानी महंसर शाही गुलाब। फ्रेंड्स, देखते रहिए वीडियो, ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पहले अगर बॉक्स की तरफ देखेंगे तो देखिए ये कितना शानदार एक शॉट बना हुआ है जो हम लोगों का राजा महाराजा यूज करते थे, और काफी अमेजिंग ये पैकेजिंग है। आप अगर देखेंगे तो लगता तो है कि ये शाही घराना से ही बिलोंग करता है। इसका पैकेजिंग काफी प्रीमियम ये पैकेजिंग है, और इसके अंदर में है महारानी महंसर का वो फैंटास्टिक ड्रिंक। देखिए कितना शानदार है, और बॉटल भी बहुत अच्छे देखने में है। आएंगे बॉटल के बारे में बात करेंगे, तो इसको फिलहाल मैं रखता हूँ। और इसके साथ एक नोट भी आता है, ये देखिए, ये नोट बयां करता है हम लोगों का ड्रिंक्स का इतिहास। तो इन दोनों को मैं पीछे रखता हूँ, आप जब खरीदेंगे तो पढ़ लीजिएगा ज़रूर। बॉटल शेप का अगर बात करूँ तो ये फैंटास्टिक बॉटल है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये ना शॉट लाइक बॉटल है, जैसे महाराजा शॉट को इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल क्लियर बॉटल है, और इसमें आपको फैंटास्टिक एक ग्रिप दिया जाता है, जहाँ पर आप इस बॉटल को फॉर्मली होल्ड कर सकते हैं और आराम से पोर कर सकते हैं अपना ड्रिंक को। साथ साथ ये जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पर भी आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं। नीचे का जो बेस है ये नैरो होने के कारण आराम से फिट हो जाता है आपका पंप में, और आप आराम से पोर भी कर सकते हैं अपना ड्रिंक को। और ये जो कलर है ये कम्प्लीटली दिखता है, इसलिए क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर बॉटल है। तो बॉटल भी काफ़ी अमेजिंग है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया था कि महारानी महंसर हेरिटेज लेकर कैसे बना। मेरा मानना है कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस को सक्सेसफुल बनाने के लिए भगवान कुछ स्पेसिफिक इंसान और स्पेसिफिक रीजियन को बनाया है। जैसे दार्जिलिंग टी, एक अद्भुत जगह जहाँ पर बहुत बेहतरीन चाय बनते हैं। स्कॉटलैंड का ही सोच लीजिए, जहाँ पर बेहतरीन उसकी बनते हैं। फ्रांस का सोच लीजिए, जहाँ पर बेस्ट ब्रांडी और शैम्पेन बनते हैं। ये जो रीजियन है ये स्पेसिफिक रीजियन में ही तो बनते हैं। सो महंसर नोन फॉर इज हेरिटेज एंड ग्रैंड लिकर। महंसर ऑल्सो फेम्ड एज स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान और ज्वेल ऑफ शेखावती, एक रॉयल राजपूताना स्टेट इन शेखावती रीजियन। 1768 में महंसर फोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था, और तब से महंसर में एक फेमस कहावत और एक फेमस ड्रिंक का प्रचलन हुआ था, जिसको कहा जाता था राजवाड़ी दारू। जी हाँ, उन सब फोर्ट्स में जो रॉयल फैमिलीज हुआ करते थे वो अक्सर कुछ अपना ही ड्रिंक को पिया करते थे अपना बूज को कंप्लीट करने के लिए, और उन दिनों राजबाड़ी दारू बहुत फेमस हुआ था, और जिसको हम आज जानते हैं महारानी महंसर के नाम पे। एक बहुत पुराना सीक्रेट रेसिपी जो सिर्फ और सिर्फ यही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्या है ये ड्रिंक, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। इन्फ्यूजिंग द एग्जॉटिक ब्लेंड ऑफ रेयरेस्ट ऑफ हर्ब्स, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, फ्लावर,
with an age-old traditional process of fermentation and distillation. और इसी तरीके से ही इस masterpiece को बनाया गया है. 150 से भी ज्यादा अलग अलग सीक्रेट रेसिपी इन महान सर फैमिलीज के पास है, जो इस फैमिली लीनियज को जेनरेशन टू जेनरेशन आगे बढ़ा रहा है. रिसेंटली हेरिटेज लीकर बहुत फेमस हुआ है ऑल अक्रॉस इंडिया में, और इसका श्रेय जाता है शेखावती हेरिटेज हर्बल प्राइवेट लिमिटेड को. दिस ब्रांड इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग. आप जानकर हैरान होंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने इन हेरिटेज लीकर्स के ऊपर बैन लगा दिया था, और उसके साथ साथ हम लोग खो चुके थे हमारे पूर्वजों का ड्रिंक. बट 1998 में राजस्थान गवर्नमेंट हेरिटेज लिकर एक्ट को फिर से लाया टू प्रिजर्व द आर्ट ऑफ हेरिटेज लिकर मैन्युफैक्चरिंग. फाउंडर ऑफ शेखावती हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड ठाकुर श्री राजेंद्र सिंह शेखावत स्टैब्लिश द कंपनी इन 2003. और उन दिनों मिस्टर सिंह अपना प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट डिस्टिलरी से अपनी ब्रांड को आउटसोर्स कर रहा था, विच वॉज फर्दर सप्लाइड टू राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा एंड दिल्ली. बाद में एक ट्विस्ट आया. 2016 में शेखावती हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड एक अहम डिसीजन लिया. 2016 में शेखावती हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान एक्साइज डिपार्टमेंट से महानसर से लगभग 60 किलोमीटर दूर राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट में सरदार शहर में एक कॉपर पॉट स्टील बेस्ड हेरिटेज लिकर डिस्टिलरी स्थापित करने की मंजूरी मिली, और इसके कारण कंपनी पॉट स्टील को इस्तेमाल करके प्रीमियम क्वालिटी ड्रिंक पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे. तो इसके कारण आजकल ये जो हेरिटेज लिकर है ये काफी चर्चे में है. महारानी महान सर आपको 5 डिफरेंट एक्सप्रेशन और फ्लेवर ऑफर करता है, जैसे कि मेरे पास आज है महारानी महान सर शाही गुलाब, या आप बोल सकते हो कि रोज, साथ साथ महारानी महानसर मिंट मिलता है, बिटल लीफ मिलता है, सोमरस एंड अनीश, ये सारा का सारा फ्लेवर आपको मिल सकता है महारानी महानसर से. अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये क्या व्हिस्की है, क्या ये रम है, क्या ये जिन है, ये कौन सा ड्रिंक के अंडर में आएगा? तो मैं बोलता हूं कि ये हेरिटेज लिकर है. ये एक अलग ही सेगमेंट है जो राजस्थान एक्साइज ने इसको तवज्जो दिया है, बढ़ावा दिया है, और बहुत सारा सब्सिडी देकर के इसको सेल किया जा रहा है मार्केट में. इसका प्राइस भी काफ़ी कम है जस्ट बिकॉज ऑफ इतना सारा एक्साइज ड्यूटी राजस्थान गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है. तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये बनता कैसे है. एक्चुअली अगर कहा जाए तो ये एक ग्रेन बेस्ड लिकर है, और शाही गुलाब को बनाने के लिए प्रीमियम क्वालिटी रोज पेटल्स को इस्तेमाल की जाती है, साथ साथ रेयर हर्ब्स, स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स को भी इस ड्रिंक में इस्तेमाल की गई है. रोज को स्पेशली कलेक्ट की जाती है अजमेर की पुष्कर रीजियन से, क्योंकि वहां पर सबसे अच्छा रोज मिलते हैं. फ्लावर्स को मॉर्निंग में प्लक करके इवनिंग तक रेडी किया जाता है मैचुरेशन एंड फर्मेंटेशन के लिए, सो दैट फ्लावर का जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे. एंड मैचुरेशन टाइम डिपेंड्स फ्रॉम 5 to 15 डेज. ड्यूरिंग दिस पीरियड रेयर हर्ब्स, स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स को सोक किया जाता है, और उसके बाद कॉपर पॉट स्टील में 3 times डिस्टिल किया जाता है, जो एक यूनिक फीचर है इस प्रोडक्ट का. प्राइस का अगर बात करें तो फिलहाल ये राजस्थान में मिल रहा है 1080 में, और आपके शहर में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है. बट ये जान लीजिए कि ये इतने सस्ते में इसलिए मिल रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट इतना सारा इसमें डिस्काउंट लगा के रखा है, एक्साइज ड्यूटी छोड़ के रखा हुआ है, अदरवाइज ये काफी एक्सपेंसिव हो जाता. तो अभी क्वेश्चन है कि इसको पिए तो कैसे पिए, ना ये व्हिस्की है, ना ये रम है, ना जिन है, और राजा महाराजा कैसे पिया करते थे. तो मैं आपको एक सिंपल आइडिया दूंगा. तो पहले इसको खोलते हैं और पोर करते हैं. तो चलिए बॉटल का सील को तोड़ते हैं. बापरे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग. मैं ऐसे कोशिश कर रहा था, बट यहां पर लिखा है टियर, तो यहां से टियर करना होगा. देखिए सील तोड़ना भी मुझे नहीं आता है. तो ये आ गया बॉटल. वाओ, अब पोर करते हैं. ये आ गया ग्लास, तो इसमें हम लोग 30 ml पोर करेंगे. क्या फैंटास्टिक कलर है. रिमेंबर अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली.
चलिए 30 ml पोर किया मैंने, और आपको भी ऐसे ही पोर करना चाहिए, ज़्यादा पोर नहीं करना चाहिए। पहले मैं कलर का बात करूंगा, क्या फैंटास्टिक कलर है, ये देखिए पिंक, प्योर पिंक कलर ये देखिए। और इसका जैसे मैंने खुला तो रोज से महक गए, जी हाँ, ये जो मेरा स्टूडियो है ये रोज फ्लावर से महक गए हैं, मतलब शानदार सुगंध छोड़ रहा है चारों तरफ। चलिए नोज करते हैं, मैं ना बहुत अल्कोहलिक ड्रिंक पिया हूं जिंदगी में, बहुत को नोज किया हूं, बट ये ना बिल्कुल अलग एक डिफरेंस, मतलब फ्रेग्रेंस दे रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप किसी दिन इसको पीजिएगा तो शायद मेरे बात से सहमत होंगे, अभी यू नो आपको भी डाउट रहेगा कि दादा क्या बोल रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ना सिर्फ और सिर्फ गुलाब का खुशबू दे रहा है, इतना फैंटास्टिक। और ये बिल्कुल हर्ष नहीं है नोस पे, मैं जब नोस में लिया था बिल्कुल हर्ष नहीं है, ये ना ये आपको लगेगा कि आप विस्की, राम, जिन, वोडका, ये कुछ भी नहीं पी रहे, ये कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। चलिए मैं आपको तो शब्दों में शायद बयान नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे, जिस दिन एक्सपीरियंस कीजिएगा उस दिन इस वीडियो में आके कमेंट जरूर कीजिएगा कि दादा ने सही कहा था। और गुलाब के साथ साथ हिंट ऑफ स्पाइसेस, मैं बोलूंगा इंडियन स्पाइसेस, साथ साथ हर्ब्स का हल्का नोट भी मुझे मिल रहा है। चलिए मैं बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहा हूं इसको टेस्ट करने के लिए, तो मैं पहले फटाफट टेस्ट कर लेता हूं। मतलब मेरा माउथ में कोई इनिशियल बर्न नहीं हुआ, काफी इंटरेस्टिंग ये बात है, सुन लीजिए। राजा महाराजा ऐसे ही नहीं पिया करता था, खुद का रेसिपी है महारानी महानसर का, बिल्कुल बर्न नहीं हुआ। मैं बोलूंगा जब मैं ये गल्प किया तो मुझे बहुत स्मूथ लगे, साथ साथ काफी सारा रोज, मतलब एक बुके, रोज का बुके अगर कोई यू नो आपके मुंह में चला जाता है तो जैसा सुगंध आता है वैसा ही कुछ है, काफी रोजी इफेक्ट है, साथ साथ हिंट आपको यू नो स्पेशल हर्ब्स जो होता है ना, इंडियन हर्ब्स, उसका भी हल्का नोट मिलता है। बट मैं बोलूंगा कि ये कंप्लीटली रोज से भरा पड़ा है। अब सबसे बड़ा बात ये है कि इसको पिए तो कैसे पिए। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है कि आप इसमें एक आइस क्यूब देकर पी सकते हैं, हालांकि मैं फर्स्ट ट्राई कर रहा हूं, जिंदगी में कभी भी ये ड्रिंक को मैंने ट्राई नहीं किया, बट काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें एक बड़ा सा आइस क्यूब देने के बाद ये बहुत अच्छा एक्ट करता है, तो मैं भी ये कोशिश करूंगा। तो ये रहा एक बड़ा क्यूब आइस, अब इसको मैं थोड़ा सा स्टर करूंगा, थोड़ा सा ठंडा करके फिर पियेंगे तो अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग कलर है, मतलब कलर भी देखकर ना दिल खुश हो जाती है, प्रोबेबली इसमें आर्टिफिशियल कलर को भी मिलाया गया है, E122 को मिलाया गया है, बट कोई बात नहीं, ये यूनिक देखने में लगता है। और इससे आप फैंटास्टिक कॉकटेल भी बना सकते हैं, मैं तो बनाऊंगा मेरा अगले वीडियोज में, बिल्कुल देखते रहिएगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं, हाँ इसका जो एरोमाज है वो काफी निखर गया है और भी एलिवेट हुआ है इसका एरोमाज, तो वन क्यू वाइस फैंटास्टिक। और भी है कुछ आइडियाज जो मैंने सुना था, बट मैंने एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं किया, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसको ना क्रस्ट आइस से भी पी सकते हैं, आइस को थोड़ा सा क्रंच कर लीजिए छोटे छोटे टुकड़े में और उसके बाद पीकर देखिए, ये भी मस्त लगते हैं। एनीवे, मैं भी ट्राई करूंगा, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस एंड आई एम सुपर हैप्पी, और ये फीलिंग मैं बरकरार रखना चाहूंगा मेरा कुछ अगले वीडियोस में भी। मैं भी चाहूंगा कि ये पगड़ी पहन के वीडियो बनाता रहूं और खुद को किंग समझता रहूं, आफ्टर ऑल मेरे पास जो किंग है और इसको मैं संभाल के रखूंगा, बिल्कुल किंग का ड्रिंक आफ्टर ऑल, है ना। फ्रेंड्स, आज का रिव्यू आपको कैसा लगा, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जाते जाते एक बात कहेंगे कि देसी ड्रिंक को सपोर्ट की जरूरत है और वो सपोर्ट आपकी तरफ से आना चाहिए। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।